नमस्कार दोस्तों, सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केव्स ऑफ एग्ज़ाम के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं और जो बनना चाहते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे दोस्तों, और पास में ही बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आज नीट या जी हाँ दोस्तों नीट के बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसको आप पूरा देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। ये देखिए दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 अपडेट 15th of August 2021, जो कि आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये आज का ही दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं आज का बात करूँ, आज का ये देखिए दोस्तों, 37,927 यानी कि 38,000 केसेस अभी नए ट्रेस हुए हैं दोस्तों कोविड के, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये हुआ कोरोना अपडेट। मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स का ये अपडेट अगर सामने आया, 2 घंटे पहले का ये अपडेट है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पेन पेपर होगा, 12 तारीख का होगा। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये, पॉसिबल कैसे हो सकता है दोस्तों कि इस कोविड-19 में किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। अभी भी लोग असमंजस में ही हैं कि एग्ज़ाम सच में हो गया ना, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव तो आ ही गई है दोस्तों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि एक दिन में 39,000 से 40,000 केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।